वेलकम टू द वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके अंदर एक टॉपिक हमारा जो है वो रह गया था, तो एक टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि ब्रेड मोल्ड के ऊपर हमने जब फंजाई को ग्रो किया था, फंगस ग्रो हुई थी ब्रेड मोल्ड के ऊपर, तो वो कुछ इस तरीके की दिख रही थी, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं ब्रेड मोल्ड के ऊपर, तो इनको हम बोलते हैं राइजोब्स। राइजोब्स इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हाइफी और इसको हम बोलेंगे माइसीलियम। तो बुक के अंदर इन दोनों के नाम दिए हुए हैं। हाइफी क्या है, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसको हाइफी बोल रहे हैं, और हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर है उसको हम माइसीलियम बोल रहे हैं। देन इसके ऊपर एक ब्रॉड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम। जब ये स्पोरेंजियम बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, ब्लैक कलर का डॉट नजर आएगा आपको कहीं भी, आपको ये मोल्ड दिख जाए तो वहां पे ब्लैक कलर का डॉट अगर नजर आ रहा है तो मीन वो मैच्योर हो चुका है, और मैच्योर होने के बाद वो ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने पर यहां से स्पोर रिलीज होते हैं, स्पोर रिलीज होने के बाद वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर के अंदर घूमते रहते हैं, और जहां पे उनको दोबारा से फिर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो फिर से ग्रो होना शुरू कर देते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी थ्रू द स्पोर। तो स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर मिलेगा हमें, राइजोब्स के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव यंग वंस अगेन सिमिलर टू इट्सेल्फ। मीन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल प्रोसेस में यंग वंस प्रोड्यूस करेगा और वो उसके ही सिमिलर होंगे, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, वन इज मेल एंड वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेक पार्ट है। तो वन गैमिट फ्रॉम मेल, एक गैमिट मेल से जाएगा, वन गैमिट फ्रॉम फीमेल, वन गैमिट फीमेल से जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, बाकी मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था किस तरीके से डीएनए कॉपिंग होता है और किस तरीके से जो डीएनए कॉपिंग के थ्रू सेल बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेल का जो गैमिट है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, एंड फीमेल गैमिट है उसको हम बोलेंगे एग। मेल गैमिट स्पर्म मोटाइल है, मोटाइल का मीन होगा यहां पे कि ये मूव कर सकता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाएगा ये, ठीक है। एग के अंदर एग का साइज होगा वो स्पर्म से लार्ज होगा एंड नॉन मोटाइल होगा नेचर के अंदर, नॉन मोटाइल। तो ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकता, सिर्फ ट्यूब के अंदर ही रहेगा, वहीं पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बन जाता है। जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बना देंगे, जाइगोट, ठीक है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे फ्लावर्स के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेंशियल, व्हाई, क्योंकि इसके अंदर हर बार वेरिएशन आती है, वेरिएशन देखने को मिलती है ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल मोड के अंदर, हर बार न्यू करेक्टर्स अराइज होते हैं, न्यू करेक्टर्स अराइज होंगे। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज
essential for showing new characters and variation in organism. Organism के अंदर हमें variation और new character देखने को मिलेंगे जब भी sexual reproduction होगी. तो next में हमारा topic है flowering plant के अंदर sexual reproduction. सबसे पहले हमें एक फ्लावर को डिस्कस करना पड़ेगा. फ्लावर कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा एंड दिस आर द फ्लावर पार्ट. दिस आर मेल पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड स्टैमन. Now, colored part of flower greenish sepal present in a flower. तो ये है फ्लावर का एक डायग्राम. तो इसके हम पार्ट्स को समझ लेते हैं. फ्लावर के अंदर चार पार्ट्स होंगे. चार पार्ट्स के अंदर जो प्रोटेक्शन वाले पार्ट अलग होंगे, अट्रैक्टिंग वाले पार्ट अलग होंगे और मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों वो भी अलग अलग होंगे इसके अंदर. नाउ जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेडिसल, जो कि अटैच रहता है टू प्लांट. जब हम तोड़ते हैं फ्लावर को तो हम पेडिसल से तोड़ते हैं जो प्लांट के साथ अटैच रहेगा. ये जो बल्ब पार्ट है, जो उभरा हुआ थोड़ा वाइट पार्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे थैलेमस. थैलेमस. नाउ ये वाला जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इस पार्ट को. ये इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम पिस्टिल, मीन फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का फीमेल पार्ट. इसके तीन पार्ट मीन ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को हम बोलेंगे स्टाइल एंड ओवरी. दिस ऑल कंटेन इन पिस्टिल. तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बोला जाएगा? पिस्टिल. तीनों को मिला के हम क्या बोल देंगे? पिस्टिल. ठीक है. उसके अलावा इसको जो मेल पार्ट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे. मेल पार्ट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है. इनको हम बोलते हैं स्टैमन और इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एंथर. एंथर एंड फिलामेंट. ठीक है. तो ये जो है ये पार्ट कौन से होंगे? मेल पार्ट के पार्ट हैं. तो मैं इनके आपको नाम फ्लावर के अंदर ही बताऊंगा. ये होगा एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? पिस्टिल. और यहां पे दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? स्टेमन, विच इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसके अलावा ये हमें बाहर जो कलर्ड पार्ट देखने को मिल रहा है इसको हम बोल देते हैं पेटल. और ये वाले जो ग्रीन ग्रीन कलर की हमें पंखुड़ियां यहाँ पे देखने को मिलती है इसको हम बोलते हैं सेपल. सेपल का क्या काम होगा? प्रोटेक्शन करेंगी. जब जो फ्लावर होगा बड स्टेज के अंदर होगा, कली के रूप में होता है फ्लावर, तो उसके ऊपर कवरिंग का काम करती है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है सेपल. इसके अलावा जब ये पेटल निकल के आती हैं तो ये कलर्ड पार्ट होती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन को हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर.
तो पोलिनेशन के लिए ये अट्रैक्ट करेंगी और इंसेक्ट आएंगे इसके ऊपर, तो वो पोलिनेट कर देंगे। पोलिनेशन में क्या होगा, जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट पर पहुंच जाएगा, देन मेल पार्ट से एक पार्ट फीमेल पार्ट पर पहुंचेगा, उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट है उसको हम बोलेंगे गायनोशियम। तो सबसे पहले आता है हमारा पोलिनेशन टॉपिक। व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन को अगर हम देखें तो पोलिनेशन है ट्रांसफर, एक मेल पार्ट से ट्रांसफर हो रहा है मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट से छोटा सा गैमेट ट्रांसफर होकर फीमेल पार्ट पर पहुंच रहा है। अब मेल पार्ट पर कौन है? पोलन ग्रेन। फ्लावर के जो मेल पार्ट का गैमेट है वो कौन है? पोलन ग्रेन गैमेट है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन अब क्या करेगा, फ्लावर के एंथर से, ये एंथर है एंड दिस इज स्टिग्मा यानी कि पिस्टिल, यहां से ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा पर, ठीक है, यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर आकर ये क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं इतनी प्रोसेस को पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट एट स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन पहुंच जाता है उतनी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोलिनेशन, इतनी प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोल देते हैं। इसके बाद जो पोलिनेशन है वो टू टाइप की होगी, टू टाइप की, सेल्फ या क्रॉस, ठीक है, या तो पोलिनेशन